बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। छोटी मोटी बातें जो रह गई हमारा, हमने मतलब ये है कि अपने पहले लेक्चर में डियर स्टूडेंट हमने पेसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था, और पेसिव ट्रांसपोर्ट में हमने फिर बताया कि उसमें हमारे पास सिंपल डिफ्यूजन होता है। क्या होता है? इसके टू टाइप्स थे। एक हमारे पास था सिंपल डिफ्यूजन, तो सिंपल डिफ्यूजन था, सिंपल डिफ्यूजन में हमने कहा कि इसमें हम पेसिव ट्रांसपोर्ट में, फिर हमने ये बताया कि इसमें हमारे पास मॉलिक्यूल जो है ये पेसिव ट्रांसपोर्ट का फर्स्ट टाइप है, तो इसमें मॉलिक्यूल हमने कहा हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से जो है वो लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ जाएंगे, ठीक है। फिर इसमें हमारे पास नो एटीपी होगा, क्या होगा? नो एटीपी। लेकिन इसमें आप इम्पोर्टेंट पॉइंट, नो एटीपी यूज मतलब इनर्जी का यूज नहीं होगा। लेकिन इसमें आप चंद बातें याद कर ले कि सिंपल डिफ्यूजन हमारे पास, मैंने पहले आपको बताया कि ये हमारे पास क्या स्मॉल मॉलिक्यूल के लिए होगा, किस चीज के लिए? स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए, जैसे हमने मॉलिक्यूल जो, जैसे हमने रेस्पिरेटरी गैसेस ले लिए थे, क्या लिए थे? O2, CO2, इसकी बहुत ढेर सारे मिसाले पिछले की प्रीवियस लेक्चर में हमारे मौजूद है। लेकिन इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल, और हमारे पास दूसरा क्या होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल वो ये रास्ता क्या करेगा? इख्तियार करेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम आ जाए, दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ जो है हमारे पास क्या था? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन था। क्या था? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मैंने आपको ऑलरेडी एक पॉइंट बोला था, मैं अभी इसको क्लियर करवाना चाहता हूँ। मैंने आपको कहा कि हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये हमारे पास क्या करते थे, ये हमारे पास क्या करती है? ये हमारे पास जो है पोलर मॉलिक्यूल को, पोलर जिसपे चार्ज मॉलिक्यूल हो, इसको अलाउ नहीं करती थी, ठीक है, इजाजत नहीं देती थी। तो फिर हमने कहा कि ये पोलर मॉलिक्यूल अगर हाँ है, इसको इजाजत नहीं देती थी, जैसे हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के आयंस थे, बहुत ढेर सारे मिसालें हमने दिए, जब इसको अलाउ नहीं करती ये फिर भी सिल के लिए इंतहाई ज्यादा लाजमी है, तो इसके लिए कोई रास्ता तो होना चाहिए। ये लिपिड बैरियर इसको इजाजत नहीं देती थी। लेकिन इसके पास हमारे पास क्या थे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एक फैसिलिटी बनाई गई थी, उसमें हमने चैनल और क्या कर लिए थे, चैनल प्रोटीन और क्या कैरियर प्रोटीन हमने पढ़े थे कि ये प्रोटीन इसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। और इसमें हम अब क्या करेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू किस किन चीजों का ट्रांसपोर्ट होगा? ये तो एक लार्ज मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल होंगे, लार्ज, प्लस दूसरा क्या? पोलर। पोलर का मतलब क्या है? चार्ज मॉलिक्यूल जो है वो इस रास्ते से जो है वो चार्ज मॉलिक्यूल यानी मतलब पोलर मॉलिक्यूल इस रास्ते को इख्तियार कर लेंगे, ठीक है, चाहे आयंस हो चाहे वाटर हो, और इस रास्ते से जो है सिर्फ मेम्ब्रेन के आर पार या सिर से मतलब बाहर से अंदर जाना या अंदर से बाहर आना चाहते हो। हाँ, ये छोटे मोटे टॉपिक्स थे, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी थे, तो हम ये टॉपिक्स उसके साथ एड कराना चाहते थे। तो यही कि हम मतलब ये है कि ये लेक्चर ख़त्म करना चाहते हैं इंशाल्लाह, फिर हम आइंदा अपने आने वाले लेक्चर में जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़।